पूरी तरीके से तैयार है इस रेस में अपना जलवा दिखाने के लिए और इनका कंपटीशन में नंबर है 55। देखते हैं कौन जीतता है इस बार की ट्रॉफी। लीजिए रेस शुरू होने वाली है। बेटा, मिस्टर अमर इज फाइन, ही विल रिकवर वेरी सून। थैंक यू। आप जाकर मिल सकती हैं उससे। Losing in a game is all a part of life. तुम्हारी खुशी के लिए, उस बच्ची की खुशी के लिए मुझे जीतना चाहिए था। मैं तो बस तुम्हें देखकर ही खुश हो जाती हूँ। Cheer up. मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। मेरे पापा के ऑफिस में बहुत फंड्स हैं। बच्ची के ऑपरेशन के लिए मैं उनसे मांग लूंगी और कह दूंगी कि तुम उन्हें बाद में लौटा दोगे। तुम्हारे पिता के पास पैसे मांगना, मदद मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे उसूलों के खिलाफ है ये। So what, Amar? कुछ दिनों में तुम वापस भी तो दे दोगे ना? अमर, अचानक मुझसे पूछे बिना ही मेरे पापा ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी नेक्स्ट संडे। How can I react? बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किसी से प्यार भी करती हूँ या नहीं, या वो लड़का मुझे पसंद भी है या नहीं। उनके फ्रेंड का कोई बेटा है, स्कॉटलैंड में डॉक्टर है, पर मैंने भी डिसाइड कर लिया है हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। I can't even imagine myself next to another man. चलो भाग चलते हैं। मेरे पिताजी के बारे में जानती हो ना? ये भागना भागना तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं सिखाया। लाइफ में जो कुछ भी हो, face it straight, head on. What? तुम्हारे पापा ने जिसके साथ एंगेजमेंट फिक्स की है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं वहां पर आऊंगा और सब लोगों के सामने तुम्हारी उंगली में रिंग पहनाऊंगा। हम दोनों का प्यार अमर है।
ये मैं दुनिया को दिखा दूंगा। We were made for each other। ये हम सबको बताएंगे। Promise? I promise। And my word is my life। I love you। I will love you forever। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। क्रूज में ये पार्टी दे रहा हूँ। उसी की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। My dear friends, इस दुनिया के अमीरों में गिने जाते हैं अरुण सुबैया और उनका मुंह बोला भाई अ डॉक्टर किरण सुबैया, अ मल्टी मिलियनियर इन स्कॉटलैंड। एज अ विटनेस आफ्टर द पार्टी देयर विल बी अ रिंग एक्सचेंज सेरेमनी। लेट्स ब्लास्ट द पार्टी। Friends, now is the time for the ring exchange. Papa, give me 1 minute. Hmm. 1 minute, please. Amar? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रिंग पहनाने का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। चलो। मुझे नाटक करना नहीं आता है बॉबी। अमर क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? पागलों की तरह नहीं, ये सब रियल है। देखो मुझे तुमसे दिल से प्यार नहीं है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अपने बाप के बताए हुए लड़के से शादी कर लो। हाँ और क्या, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उस लड़के के पास भी पैसा है, उन दोनों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं जीरो अकाउंट बैलेंस। मेरी बात मानो, उससे शादी कर लो। पैसे और दौलत के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे चाहिए था प्यार और वो मुझे तुमसे मिला है। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे पैसे और इस धन दौलत की परवाह नहीं है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी बात समझो बॉबी, बात समझो मेरी। फालतू में तुमसे शादी करके जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। मैं पहले से भाड़े के घर में जिंदगी काट रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ बताओ? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रास्ता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे पूछना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे वादा किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अमर तुम तो अपने प्रॉमिस के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ This is not the right time। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी। But don't give me this punishment। I can't imagine my life without you।